हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाब मैं आ गया हूँ फिर से आपके बीच में एक इंपॉटेंट इन्फॉमेसन लेकर के उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना समर ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट वर्क या डेजर्टेशन करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए अब देखिए ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली प्रोग्राम है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत बढ़िया आई का प्रोग्राम है तो आई का एक इंस्टीट्यूट है आपको पता होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलरा एंड इंटरिक डिजीज़े तो ये वेबसाइट भी है उसकी मैं इस वेबसाइट को आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा ताकि आप डायरेक्टली इसको रीच कर सकें तो यहाँ पे समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट वर्क डिजर्टेशन वर्किंग वर्क प्रोग्राम फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है इसका पर्पस क्या है कि ताकि आपको कटिंग एज रिसर्च से एक्सपोजर हो सके और आपके लर्निंग प्रोसेस को इंक्रीज़ किया जा सके और आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा सके ताकि आप एक्सपीरियंस ले सकें रिसर्च स्कॉलर्स और साइंटिस्ट के साथ काम करने का एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट शुड बी पोस्ट इन द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कॉलेज इन द रेविलवेंट एरियाज़ ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज तो आप बायोलॉजिकल साइंसेज में होने चाहिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन uh, चल रहा होना चाहिए शुड बी इन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ट्रेनिंग मस्ट बी एसेंशियल फॉर द कैंडिडेट्स कोर्स करिकुलम दैट मीन्स आपके इंस्टीट्यूट के अंदर जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे ये ट्रेनिंग मैंडेटरी होनी चाहिए और उसको आप अपने इंस्टीट्यूट में दिखा सकते होने चाहिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है अब जब अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बायोडाटा और अकेडमिक रिकॉर्ड्स को आपको यहाँ पर भेजना है और एप्लीकेशन फॉर्म एक दिया हुआ है मैं उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको दिखा दूंगा उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपना डेटा वगैरह फिल करना होगा नेक्स्ट रिकमेंडेशन लेटर इन ओरिजिनल ऑफ़ द प्रिंसिपल और हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी आपको अपना एक रिकमेंडेशन लेटर भी यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा जो आपके प्रिंसिपल या हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट से होना चाहिए इसके अलावा एप्लीकेशन रिटर्न बाय द स्टूडेंट आपको खुद एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी डायरेक्टर एन को ताकि वो उनको रिक्वेस्ट करते हुए कि वो आपकी ट्रेनिंग को अप्रूव कर सकें इसके अलावा कंसेंट लेटर फ्रॉम एन साइंटिस्ट ये भी आपको चाहिए होगा आप साइंटिस्ट के नेम्स जो हैं वो एन की वेबसाइट पर दिए हुए हैं किस भी एंड किस, और किस के साइंटिस्ट के अंडर में आप काम करना चाहते हैं वो आप फाइंड आउट कर लीजिए और उसके बाद कंसेंट वहाँ से ले लीजिए नेक्स्ट कंप्लीटेड एप्लीकेशन अलॉन्ग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड टू द एड्रेस इंडिकेटेड एट द एंड ऑफ द नोटिस नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अप्लाई कब करना है वेंट टू अप्लाई जब आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं उससे एटलीस्ट थ्री मंथ्स पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तीन महीने पहले आपको जो डेट है प्रपोज ट्रेनिंग की उससे पहले अप्लाई करना है तो देखिए मैं इसके बारे में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब जो समर ट्रेनिंग वगैरह है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ओपन कर रहे हैं तो ये समर ट्रेनिंग के लिए एन एक अच्छी जगह हो सकती है तो इसलिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ तो ट्रेनिंग फीस के बारे में सेलेक्टेड स्टूडेंट्स टू बी कंसिडर फॉर Pursuing summer training project or dissertation will require to pay rupees three thousand rupees per month, the admissible charges as per NICD guidelines. तो यहाँ पर paid training है आपको तीन हजार रुपये पर मंथ यहाँ पर देनी पड़ेंगे और जो आपको पैसे पे करने हैं फर्स्ट मंथ के द पेमेंट इज़ टू बी मेड ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ जो फर्स्ट मंथ में आपको जो पेमेंट करना है वो डी डी के थ्रू आपको पे करना है डायरेक्टर एन आई सी डी एट कोलकाता अच्छा नोट इनकम्प्लीट एंड इन वैलिड एप्लीकेशन विल भी रिजेक्टेड अच्छा इसके अलावा द डिसीजन अबाउट द सेलेक्शन विल बी फाइनल एंड नो करस्पॉन्डेंस विल भी मेड अच्छा इन्फॉर्मेसन और कॉन्टेक्ट अगर अप्रूवल ऑफ द सेलेक्शन वुड भी इंटीमेटेड टू द कंसर्न फैकल्टी मेम्बर ऑफ एन आई सी डी एंड सेलेक्टेड ट्रेनिंग विल भी इन्फॉर्म्ड अबाउट दियर जॉयनिंग बाई द कंसर्न साइंटिस्ट तो एन अपने साइंटिस्ट को इन्फॉर्म करेगा और वो साइंटिस्ट फिर आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि येस यू हैव बिन सेलेक्टेड और नॉट अब गार्जियन स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कॉन्टेक्ट ओवर फोन बाय विजिटिंग पर्सनली रिगार्डिंग देयर एप्लीकेशन स्टेटस और सिलेक्शन तो आपको विजिट करने वगैरह की ज़रूरत नहीं है आप मेल के थ्रू ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेलिंग एड्रेसेस फॉर एप्लीकेशन क्या है डायरेक्टर एन ये इनका आ, ये जो मेलिंग एड्रेस है और आ, आपका जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर आशीष कुमार मुखोपाध्याय सर हैं साइंटिस्ट ई हैं उनका फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है नेम ऑफ द ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर जो कॉन्टैक्ट uh, पर्सन है वो डॉक्टर uh, आशीष कुमार मुखोपाध्याय सर ही हैं तो ये uh, उनका डिटेल वगैरह दिया हुआ है अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया है डाउनलोड कर सकते हैं आप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके आपको भेजना होगा यहाँ पर कोई भी कंस कोई भी आपको इशू होता है तो आप इनको मेल कर सकते हैं यहाँ पर मुखोपाध्याय एन आई सी डी डॉट जी ओ वी डॉट आई इन तो ये सारी की सारी डिटेल्स होगी इसके अलावा नोटिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है ट्रेनिंग का यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ, वही चीज़ निकल करके आ रही है इसके अलावा प्लेसमेंट टेंडर्स वगैरह का है जो आपके लिए इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा तो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे